चिड़ियाओं का वह परिवार बहुत मेहनती था। सब मिलजुल कर काम करते थे। घर का गुजारा अच्छे से हो रहा था। चिड़िया के पति के पास एक बैल और एक गाय भी थे, जो उनके परिवार का ही हिस्सा थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आज जरा जल्दी घर लौट आ जाना, साथ मिलकर चारा खाएंगे। खेतों में काम ज्यादा है, इसलिए जरा देर भी हो सकती है, मगर मैं कोशिश करूंगा। रानो, मैं बैलगाड़ी जोत कर खेतों में जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल भेज कर मेरा खाना लेकर खेतों में आ जाना। आज मैं आपकी पसंद के आलू वाले पराठे लेकर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। चिड़िया का पति बैल और गाड़ी जोत कर खेतों में चला जाता है। मम्मा, संडे वाले दिन हम भी पापा के साथ खेतों में जाएंगे और दोपहर का खाना भी खेतों में पापा के साथ ही खाएंगे। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं संडे वाले दिन आलू मटर वाले चावल बना लूँगी और फिर सब मिलकर दोपहर का खाना खेतों में ही खाएंगे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है। चिड़िया का पति खेत में हल चलाता है और बाजरे की फसल उगाने की तैयारी करता है। दोपहर के बाद रानू चिड़िया खाना लेकर खेत में आ जाती है। दोनों पति पत्नी पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। चिड़िया का पति खाना खाने लगता है और दोनों साथ साथ बातें करते हैं। साहूकार कौवे से कुछ पैसे लेकर धान की फसल पर लगाए हैं, उम्मीद है फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। मैंने आपको साहूकार से पैसे लेने से मना किया था। क्या करता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि धान का बीज और खाद ले सकता। फसल अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। शाम को चिड़िया का पति बैल को बाड़े में बांध देता है और घर चला जाता है। मैं नहीं बात करूंगी आपसे, मैंने कहा था ना आज समय पर घर आ जाना। मैं क्या करूं, खेत में सारा दिन काम करना होता है। अच्छा अब मान भी जाओ, चलो साथ मिलकर हरी हरी घास खाते हैं। जब आप खेतों में चले जाते हैं तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। चिड़िया के बैल और गाय आपस में बहुत प्यार करते थे, वो एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन तेज बारिश के साथ जंगल में तूफान आ जाता है और चिड़िया के पति की धान की सारी फसल गिर जाती है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तूफानी रात ने सारे जंगल में बहुत नुकसान किया था। रानू, मुझे बहुत डर लग रहा है, फसल खराब हो जाएगी। आप चिंता ना करें, जो होगा ठीक ही होगा। तूफानी रात गुजर जाती है। दूसरी सुबह जब चिड़िया का पति अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब उजड़ गया, बर्बाद हो गया, अब मैं साहूकार कौवे का उधार कैसे चुकाऊंगा। सारी धान की फसल तो रात के तूफान से बर्बाद हो गई। कालू, उस चिड़िया की तो सारी फसल बर्बाद हो गई है, वो तुम्हारे पैसे कहाँ से चुका पाएगा? जाओ और उससे बात करो। मैं कोई पागल नहीं जो कच्ची गोलियां खेलूंगा। चिड़िया के पास एक बैल और गाय भी है, अगर उसने मेरे पैसे ना लुटाए तो मैं उसका बैल ले आऊंगा। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू, ये जरूर साहूकार ही होगा, इतनी जोर जोर से हमेशा वही दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। सुन लो चिड़िया, पूरा महीना ऊपर हो गया है, तुम्हारे पति ने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे वापस नहीं किए। साहूकार जी, आप चिंता ना करें, मेरे पति धान की फसल बेचकर आपके पैसे जरूर लुटा देंगे। कौन सी फसल, लगता है तुम्हारे पति ने तुमसे बात छुपाई है, तुम्हारी तो सारी धान की फसल तूफान की नजर हो गई। ये बात सुनकर चिड़िया की तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। आप अभी जाइए, हम शाम तक कुछ करेंगे। कौवा चला जाता है। हाँ रानो, ऐसा ही है, धान की तो सारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम उन कौवों का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। मैं इसीलिए कहती थी कि किसी से कर्ज लेकर फसल मत लगाओ, मगर आपने मेरी एक न सुनी, अब क्या होगा। मालिक आजकल बहुत परेशान है, सारी फसल बर्बाद हो गई है।
कोई बात नहीं, मेरा दूध बेचकर मालकिन घर तो चलाएगी। मगर मुझे चिंता हो रही है कि साहूकार अपने पैसे लेने आएगा और जब मालिक के पास पैसे ना हुए तो वो मुझे ही ले जाएगा। आप तो ऐसे ही दिल थोड़ा कर रहे हैं, ऐसा मत सोचें। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम के बाद गोरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। हाँ तो चिड़िया, सुबह से शाम हो गई, तुमने कुछ बताया नहीं हमारे पैसों का। गोरी कृपया करें हमें थोड़ा समय दे दें, हम आपके पैसे लुटा देंगे। ना भी ना, ऐसा नहीं होगा। पीछे ही कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी, खोल लो बैल की रस्सी और ले चलो इसे। चिड़िया का पति ये सुनकर रोने लग जाता है। ऐसा ना करें, मेरा बैल और मेरी गाय एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप इन्हें एक दूसरे से जुदा मत करें। मगर कालू कौवा बैल की तरफ भरता है। नीलो, वो आ रहा है, वो जरूर मुझे लेने आया होगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो मुझे ले जाएगा। बैल की पत्नी रोने लगती है। मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाना। मगर कालू कौवा बैल की रस्सी खोलता है और उसे ले जाता है। मालकिन, मैंने हमेशा आपको मीठा दूध दिया, कृपया करें जैसे भी हो मेरे पति को वापस ले आए। अगर साहूकार ने मेरे पति को किसी कसाई के हाथ बेच दिया तो कसाई मेरे पति को काट देगा। नीलो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, हम बहुत मजबूर हो गए हैं, उस रात के तूफान ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली, लेकिन मैं तुम्हारे पति को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। गुड़िया के पापा, मैं कबूतर से कुछ पैसे ले आती हूँ और हम साहूकार के पैसे लुटाकर अपना बैल वापस ले आएंगे। अगर बैल ना आया तो नीलो भी मर जाएगी। मुझे भी नीलो को देखकर बहुत दुख हो रहा है। चिड़िया, मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो पैसे थे मैंने फसल पर लगा दिए। कबूतर भैया, साहूकार हमारे बैल को कसाई के हाथ बेच देगा। चिड़िया, माही झील के पास जाओ, वो जंगल के सभी किसान पक्षियों से फसलें खरीदती है और एडवांस पैसे भी दे देती है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और व्यापारी माही झील के पास जाती है। चिड़िया, मुझे बाजरे की फसल की ज़रूरत है, अगर तुम अपनी बाजरे की सारी फसल मुझे बेच दो तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, बाजरे की फसल जितनी भी होगी हम आपको ही देंगे। चिड़िया चील व्यापारी से पैसे ले लेती है और सीधी साहूकार कौवों के घर जाती है। कसाई जी, बहुत मोटा ताजा बैल है, अच्छा मांस निकलेगा उससे, 20,000 दो और ले जाओ। मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ और ये बैल लाद कर ले जाता हूँ। बैल खड़ा ये सब सुन रहा था। काश कोई एक बार मुझे मेरी नीलो से मिलवा दे, मैं मरने से पहले आखिरी बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये किसाई मुझे कल ही काट देगा। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। साहूकार जी, ये ले आपके पैसे, गिन ले, पूरे 10,000 हैं। चिड़िया, ये पैसे तुमने कहाँ से ले लिए? ऊपर वाला हमेशा गरीबों की मदद करता है, मैं अपना बैल लेकर जा रही हूँ। चिड़िया अपने बैल की रस्सी खोलती है तो बैल अपनी मालकिन को देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया बैल को वापस बाड़े में ले जाती है। गाय और बैल एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया का पति दिल लगाकर खेत में काम करता है और बैल अपनी पूरी ताकत से काम करता है। चिड़िया और उसका पति बाजरे की फसल चील को बेचकर पैसे वापस कर देते हैं और सब ठीक हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। बैल, गाय और चिड़ियाओं का परिवार हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता ना था, इसलिए गोरी और कालू कौवा
मांग तांग कर गुजारा करते थे। चिड़िया बहुत गर्मी है, थोड़ी देर तुम्हारे पंखे के सामने बैठने आई हूँ। बैठ जाओ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ। गोरी, कालू भैया आप जाते हैं कहीं काम पर? ना, जाना कहाँ है, 2 महीने हो गए हैं घर में ही बैठा हुआ है। गोरी, वो है ना माही चील जिसके खेत हैं, उसे एक ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, मुझे कल बताया था उसने। तुम कालू से कहो कि उससे जाकर मिल ले। ट्रक तो बहुत अच्छा चला लेता है, मगर काम भी करे ना तो फिर ही है, मैं बताऊंगी जाकर। कालू, आज मैं चिड़िया के पास गई थी, उसने मुझे बताया है कि माही चील को एक ट्रक ड्राइवर की जरूरत है। हाँ, वो मिल गई थी मुझे रास्ते में, मैंने बता दिया है उसे। क्या क्या बता दिया है? यही कि मैं कल से आऊंगा काम पर। कालू, काम क्या करना होगा? उसकी फसलें ट्रक पर लाद कर मंडी लेकर जाना होगी, काम तो आसान ही है। ऐसा काम बार बार नहीं मिलता, अब मिल गया है तो अच्छे से करना। तनख्वाह भी ठीक है, चील मुझे रोज की सब्जी अपने खेत से और साथ 500 रुपए भी दिया करेगी। और क्या चाहिए हमें, सब्जी के पैसे भी बच जाया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा चील के पास काम करने पहुंच जाता है। कालू, ये है मेरा ट्रक, पहले मुझे चला कर दिखाओ कि तुम ड्राइवर हो भी कि नहीं। घुमा दूंगा घुमा, मैं तुम्हारे इस ट्रक को घुमा दूंगा। कालू कौवा ट्रक में बैठता है और आगे पीछे दाएं बाएं तेजी से ट्रक को चलाने लगता है, और जोर जोर की ब्रेक लगाकर कालू ट्रक की तो चींकें ही निकाल देता है। चील कौवे को काम पर रख लेती है। ट्रक पर चावल की बोरियां रख दी जाती हैं। कालू, ये चावल की बोरियां शहर ले जाओ। चील मालकिन, मैं रात को ट्रक अपने घर के सामने खड़ा कर लूंगा और सुबह आता हुआ इसी ट्रक पर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, ये ठीक है। कालू कौवा ट्रक चलाता है और ट्रक में गीत लगा लेता है। ओ हो हो हो, ला 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 ला, अबे दूर हो जा, तुझे चलाना नहीं आता और कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अपने घर के सामने आकर कालू कौवा रुकता है और जोर जोर से हारन देता है। गौरी आवाज सुनकर घर से बाहर निकलती है। हाय, मैं मर गई, मेरा कालू तो ट्रक में बैठा बहुत सुंदर लग रहा है, मालिक लग रहा है ट्रक का। कालू उतर कर आ जाता है। कैसा लग रहा हूँ? मैं यही देख रही थी, ट्रक के मालिक लग रहे हैं। खाना बना है क्या? हाँ हाँ, अभी अभी मैंने आलू की भुजिया बनाई है। कालू घर में जाता है, गौरी उसे खाना दे देती है। कालू जी, इतनी सारी बोरियां हैं चावल की, अगर तुम इनमें से एक बोरी घर में उतार लो, चील को कौन सा पता चलेगा? गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे कैसे पता चलेगा? कालू कौवा खाना खाकर एक बोरी चावल की अपने घर में उतार लेता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। वो मंडी में जाकर ट्रक लगा देता है। ट्रक अनलोड हो जाता है तो कौवा वापिस हो लेता है। ऐसे कालू कौवा हर रोज जब भी चील का माल लेकर जाता तो जाते हुए रास्ते में 1-2 बोरी अपने घर उतार जाता। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि कालू कौवे और गोरी कौवी के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। कौवे ने घर में एसी लगवा लिया था, गोरी ने नई नई चीजें ले ली थी, बड़ा मोबाइल फोन भी ले लिया था। चिड़िया, ये मोबाइल कल मेरा भाई लाया है मेरे लिए। गोरी बहन, चील कितनी तनख्वाह देती है कालू को? तनख्वाह का तो मुझे नहीं पता, वैसे वो बहुत खुश है मेरे भतीजी से, तनख्वाह के अलावा 1-2 हजार इनाम भी देती रहती है। कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है। गोरी गोरी, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है और अंदर एसी चल रहा है। पागल, मैं खुद ही दरवाजा खोल कर आई हूँ, सोचा थोड़ा जंगल भी ठंडा हो जाए मेरे एसी की ठंडी हवा से। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब मैं जाती हूँ, मेरे कालू पति जी आने ही वाले होंगे,
देसी मुर्गा बनाना है मैंने आज अपने पति कालू जी के लिए। गौरी चली जाती है। चंद दिनों में ही गौरी और कालू ने बहुत तरक्की कर ली है। चिड़िया, ये कालू जरूर कोई ना कोई काला धंधा करता होगा। मैं भी पूरा एक साल ट्रक चलाता रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ है ड्राइवरी लाइन में। बात तो ठीक है कबूतर भैया। अच्छा छोड़ो, हमें क्या, जो खाएगा गाजरे पेट में दर्द भी उसी के होगा। एक दिन कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके दो चावल की बोरियां उतार रहा था कि तोता उसे देख लेता है। तोता चील का मुंशी था। ये कौवे का बच्चा रास्ते में चावल उतार कर अपने घर क्यों रख रहा है, मुझे अभी जाकर मालकिन जमींदारनी को बताना होगा। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता है। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया मालकिन। किसे किसे पकड़ लिया है तुमने मुंशी, क्या कोई चोरी सब्जियां चुरा रहा था? सब्जियां नहीं मालकिन, चावल की बोरियां। कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके पूरी दो चावल की बोरियां उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कौवा ऐसे भी कर सकता है, मैंने कभी बोरियों की गिनती ही नहीं की, इसलिए तो वो ये सब कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस कौवे को सजा मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरी सुबह कौवा ट्रक लेकर चील की तरफ जा रहा था। वो हॉर्न बजाता हुआ गुनगुनाता हुआ तेजी से अपना ट्रक आगे बढ़ा रहा था। कौवे, तुम रास्ते में कहीं रुकते तो नहीं हो मेरा माल लेकर? ना मालकिन, मैं सीधा मंडी और मंडी से ट्रक खाली करके फिर वापस घर आकर सो जाता हूँ और सुबह दोबारा आपकी सेवा करने हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ट्रक पर बोरियां लोड कर दी जाती हैं और कौवा फिर से ट्रक लेकर मंडी की तरफ जाता है। आज दो नहीं बल्कि तीन बोरियां उतार लूंगा, गौरी बहुत खुश होगी। कालू कौवा ट्रक खड़ा करता है। इधर उधर देखकर कालू एक बोरी गौरी के सर पर और एक अपने सर पर रखता है कि वहाँ पीछे से चील तोते मुंशी के साथ हवाई मोटर में आ जाती है। चील हवाई मोटर से उतरती है। कौवा और कौवी डर जाते हैं और बोरियां नीचे फेंक देते हैं। तो रंगे हाथों पकड़े ही गए, मिठू मुंशी के होते हुए चील मालकिन को कोई धोखा नहीं दे सकता। मुंशी जल्दी से पुलिस बुलाओ। मालकिन मालकिन चील ऐसा ना करें, मुझे और कालू को मुर्गा बनाकर अपने हाथों से मार लें, पुलिस को मत बुलाएं, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। गलती हो गई, मुझे माफ कर दें चील मालकिन। माफी मिलेगी तुम दोनों को मगर सजा के बाद। पुलिस आ जाती है और कालू कौवे को पकड़ कर ले जाती है। कालू कौवा सिलाखों के पीछे शोर मचा रहा था। गौरी गौरी मुझे बचा लेना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। जंगल के सभी पक्षी वहाँ पहुँच गए थे। कबूतर भैया, चोर 100 दिन भी बच जाए मगर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।